जो कानून आ गया, जिस तरह से भारत सरकार मंडी बंद करने की बात कर रही है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी वो खरीद बाहर करेगी, बड़ी कंपनियों को दे दी जाएगी, लीज पे चली जाएंगी, ये प्राइवेट कंपनी को गोदाम दिए, उसके गोदाम यहाँ पर बन गए, उसको जगह मिलेगी और ये लीज पे किराए पे दे दिए होंगे, पूरे के पूरे अनाज सस्ते में खरीदा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा और आम जनता को महंगे में बेचा जाएगा। ये बिहार मॉडल है और यही मॉडल पूरे देश में होना है। अभी हम है यहाँ पे सासाराम डिस्ट्रिक्ट, एक बार दिखाओ भाई, हम है सासाराम डिस्ट्रिक्ट, सासाराम में डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, तकिया बाजार समिति, ये मंडी है, ये मंडी आज से कृषि मंडी यहाँ पे 2006 में मंडी पूर्ण रूप से बंद होगी और ये मंडी में काम करने वाली लेबर थी यहाँ पे, जो काम करती थी यहाँ पे, यहाँ के जो दुकानदार थे उनकी भी दुकानें अभी हैं यहाँ पे ऑफिस, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से कोई खरीद यहाँ पे मंडी में नहीं होती। तो यही हाल जो पूरे देश में कानून आए हैं, तीन आने वाले पूरे देश में यही मंडी का हाल होगा, बेरोजगारी मंडी देखने के लिए, ये बेरोजगारी का हाल ये होगा कि जैसे ये मजदूर पूर्ण रूप से बेरोजगार हुए, किसान लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ पे खरीदारी करते थे, वे पूरा बर्बाद यहाँ पे हुए। ये आप देखोगे कि पूरी की पूरी मंडी, ये पूरी इस तरह के हाल सुनी पड़ी, पूरा का पूरा हाल बर्बाद है। तो इसलिए हम बिहार को देखने आए, ये बिहार के क्या हाल बिहार के, तो बिहार के असली बिहार के हाल ये है कि ये मजदूर है इन मंडियों के, जो आज से करीब 15 साल पहले तक ये काम करते थे, इनको मजदूरी भी यहाँ पे मिलती थी, आज यहाँ पे कुछ नहीं है। मंडी में आते जरूर है अभी, क्योंकि थोड़ी सी खरीद जो सरकारी क्रय केंद्र है उस पर थोड़ी सी खरीद होती है, तो उस पर इनको रोजगार मिल जाता है, और नहीं तो पूरा बिहार बर्बादी के कगार पे है। अगर जो कानून आ गया, जिस तरह से भारत सरकार मंडी बंद करने की बात कर रही है, तो एक दिन पूरा देश का हालात यही होगा, पूरा देश की जो मंडी क्षेत्र है पूरा मंडियां बर्बाद होंगी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी वो खरीद बाहर करेगी और ये हाल पूरे देश का होगा, जैसे बिहार की इन मंडियों का हाल हो रहा। ये पूरा है, इनको आज से 15 साल पहले यहाँ पर रोजगार भी था, इनको कुछ मिल भी जाता था, आज पूरा ये हाल पूरा मंडी के बर्बाद होते, ये नौजवान जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो यहाँ के लेबर थी, और आज एक भी रुपया कोई लगाने को यहाँ पर तैयार नहीं, जब खरीदनी होती पूरा एक स्टैंड बन गया ये पूरा, जो ट्रक आप देखोगे मुझे दिखाइए जरा, ये पूरा जो ट्रक है ये पूरा स्टैंड यहाँ पे है, और यहाँ पे जो मंडी के गोदाम होते थे यहाँ पे ये चबूतरे होते थे, इन चबूतरों पे यहाँ पे भूसा वीडियो बना रहे भरा हुआ है, पूरा भूसा एक किस्म का भर रहा है इन चबूतरों में। ये यहाँ के पहले माल यहाँ पे लगता था, ये माल बिकता था, ये हैं, ये पूरा बर्बाद होता, यही दुकान है, ये बंडिया की दुकानें हैं, सब दुकानें पूरा बंद होगी, लेकिन जो व्यापारी यहाँ पर आर्ट की उनकी दुकान आज भी है, उनकी दुकान है अपना छोटा मोटा कारोबार, अपने ऑफिस यहाँ पर बना रखे, लेकिन अभी एक कंपनियों का अलग रखते हैं, धीरे धीरे ये सारी मंडियां बड़ी कंपनियों को धीरे धीरे ये पूरी जगह बड़ी कंपनियों को दे दी जाएगी, लीज पे चली जाएंगी और एक दिन पूर्ण रूप से उन्हीं का यहाँ पर कब्जा हो जाता। तो ये असली बिहार का हालात ये है, कंपनी को मंडी तो बंद होगी, सरकारी मंडी तो बंद होगी। 2016 से पहले भी यहाँ कभी व्यापारी तो खरीदता था ना भाई, आठ भी हो गया माल किसान लेगा, तो एक स्थान था ये सरकारी कि उसको खरीद होती थी, पूरे ऐसी जगह तो फट लगता था।
सर सबसे पहले तो कॉल की जरूरत है, जल नहीं मिला है पीने के लिए। राशन मिलने का मतलब कॉल बहुत कम हो गया है, पानी बहुत, पानी का बहुत परेशानी है। ये गोदाम किसी को कंपनी को दे दिए होंगे सर? आईडीसी का आशीर्वाद है, उस पर लीज पर दिया होगा। अब ये जो गोदाम ये बड़े हैं, ये इस तरह के हालात पूरे देश में होने वाले हैं। ये प्राइवेट कंपनी को गोदाम दिए, उसके गोदाम यहाँ पर बन गए, उसको जगह मिल गई, और ये लीज पे किराए पे दे दिए होंगे पूरे के पूरे। उसने अपना पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इतना गोदाम वो बाहर लेता चार दीवारी के भीतर तो बहुत उसका खर्चा पड़ता। तो यही हालात होना, ये मॉडल बनना है। ये प्राइवेट मंडी है जो सरकारी थी, ये जो कर्मचारी है यहाँ पे जो आड़ती हैं ये हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, अब ये मॉडल पूरा मंडी में बनना है। अनाज सस्ते में खरीदा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा और आम जनता को महंगे में बेचा जाएगा। ये बिहार मॉडल है और यही मॉडल पूरे देश में होना है। सरकारी मंडी में प्राइवेट सौभाग्य है। आज व्यापारियों का जो चावल और गेहूँ का गांधी ने संपूर्ण भारतवर्ष में गेहूँ सबको विलोपित कर दिया था। आपको मालूम नहीं तो मालूम कर लीजिए। उसने सरकार ने कि कोई गेहूं खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं, कोई रखेगा नहीं। उस साल गेहूं जो सस्ता था उस जाकर 300-400 रुपया क्विंटल भी दिया, और सरकार ने उस अड़सौ लाखों कई लाख नुकसान दिया। 74 में पुनः उसने गेहूं को खो दिया। तो सरकार की ये मंशा थी कि मोटे चावल और मोटे गेहूँ का व्यापार का मैं राष्ट्रीयकरण इंडिया में कर दूँ, लेकिन वो सौभाग्य है कि वो 73 में किया और उसको अरबों खरबों का नुकसान हुआ। श्रीमती नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।